नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मारुति सुजुकी वैगनआर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट के बारे में। कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कि टोयोटा मारुति सुजुकी वैगनआर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लॉन्च करने वाली है। तो उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही मारुति सुजुकी के लोगों के साथ वैगनआर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को देखा गया है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वैगनआर है वो टोयोटा भी सेल करने वाली है और मारुति भी अपने यहाँ से सेल करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंटीरियर के अंदर तो कोई भी बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि इसके एक्सटीरियर डिजाइन के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर साइड में आपको इंडिकेटर्स और नीचे की साइड बम्पर के अंदर आपको प्रोजेक्टर यानी कि LED हेडलैम्प यूनिट और उनके नीचे ही फॉग लैंप यूनिट देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको स्प्लिट हेडलैम्प सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि ऊपर की साइड LED DRL या फिर इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, उसके नीचे की साइड बम्पर में आपको हेडलैम्प और उनके नीचे ही फॉग लैंप यूनिट सेटअप होती है। इसके अलावा इसके रियर साइड में भी आपको फुल LED टेल लैंप सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अंदर फ्रंट एंड रियर में आपको ड्यूअल टोन फ्रंट एंड रियर बम्पर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्पोर्टी देखने को रहता है। अब बात करें इसके रेंज की, तो मारुति वैगनआर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को 150 से 200 किलोमीटर तक की रेंज के साथ इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। वहीं इसकी जो प्राइस है वो 10 लाख, यानी कि इसे अंडर 10 लाख रुपए की, 10 लाख से कम रुपए के अंदर इसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। बात करें इसके लॉन्चिंग की, तो इसे इसी साल 2021 के फेस्टिव सीजन तक इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा जो टोयोटा वैगनआर लॉन्च करेगी उसे हेरिडर नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है, और जो मारुति की जो वैगनआर रहेगी वो इलेक्ट्रिक उसे XL5 नाम से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से तो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसे XL5 के नाम से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। मारुति वैगनआर को मारुति सुजुकी नेक्सा डीलरशिप से इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करेगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।